गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम यश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 की चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी का आज एक्सरसाइज करेंगे 5.6। इसमें आज इंट्रोडक्शन भी करेंगे और सोल्यूशन भी करेंगे। इससे पहले हमने जितनी वीडियोज़ बनाई थी, इसमें हम लोगों ने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, हमने अटेंड किए। उसमें हम लोगों ने किसी भी फंक्शन का डेरीवेटिव करना सीखा था ईजिली मेथड से। तो आज हम लोग 5.6 में जो टॉपिक करेंगे वो फंक्शन का डेरिवेटिव करना सीखेंगे। तो टॉपिक हमारा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। कोई भी फंक्शन यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे उन सभी फॉर्मुलों की हेल्प से जो हमने 5.2 में डेरिवेटिव के फॉर्मले लिखे थे। उन सभी फॉर्मुले की हेल्प से हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। बस हमें ये पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। तो आज पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है। मैंने पहले ही कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं एक्सरसाइज के, बट मैं आपको बता देता हूँ पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें, आप पहले से मैंने बताया था एक्सप्लिकिट फंक्शन के बारे में। एक्सप्लिकिट फंक्शन याद आ रहा होगा आपको, नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं। वाई इज इक्वल्स टू 2x+3, कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, और इसे हम लोग एक्सप्लिकिट फंक्शन बोलते हैं। एक्सप्लिकिट फंक्शन बोलने का मीन्स ये हुआ कि इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और इस एक्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। मीन्स ये हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्स की पोजीशन पर हम कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। अब कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है। हम उसकी पोजीशन पर कुछ भी रियल नंबर लेट कर सकते हैं। फिर जब एक्स लेट करेंगे तो वाई आएगा। एक्स लेट करने के बाद ही वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, इसलिए इसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में है उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट आपने समझ लिया, तो ये एक्सप्लिकिट फंक्शन होता है। इस प्रकार का कोई फंक्शन एक्सप्लिकिट फंक्शन होता है। बट हम बात कर रहे हैं पैरामेट्रिक फॉर्म के, तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में कोई भी दो इक्वेशंस गिवन होंगी जिसमें एक पैरामीटर गिवन होगा। दोनों इक्वेशंस में एक पैरामीटर कॉमन होगा। जैसे मैं आपसे एग्जांपल में एक बात कहूँ, मैंने कहा एक्स इज इक्वल्स टू ए 2a t की पावर 4 और वाई इज इक्वल्स टू है ए टी की पावर 4, ठीक है ना। देख रहे हैं दो इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस में आप देख रहे हैं कि ये जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पर, टी पर, और वाई भी है डिपेंडेंट वेरिएबल टी पर। तो जो ये टी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर दो इक्वेशंस हैं, एक्स और वाई, एक्स डिपेंड कर रहा है टी पर, वाई डिपेंड कर रहा है टी पर, ठीक है ना। एक्स डिपेंड कर रहा है टी पर और वाई भी डिपेंड कर रहा है टी पर, तो जो टी है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर सेम है, उसको हम लोग पैरामीटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पैरामीटर। तो इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैरामीटर। और इसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या करूंगा, डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। मतलब जो भी पैरामीटर इन दोनों इक्वेशंस में सेम होंगे उसी के रिस्पेक्ट में मुझे पूरे इक्वेशंस का क्या करना होता है, डेरिवेटिव फाइंड करना, ठीक है ना। तो चलिए देखिए जरा, हमें इन दोनों में क्या कॉमन है, टी सेम दिखाई दे रहा है, टी है ना, तो ये पैरामीटर है क्योंकि इसी के चेंज होने से एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होगी। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक साइड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक साइड हमने कर लिया। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, टी के रिस्पेक्ट में पैरामीटर क्या है, यहाँ पर टी है ना, तो टी के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टी, टी पैरामीटर है तो टी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू टू और ए कॉन्स्टेंट और डी अपॉन डी टी टी की पावर 4, ठीक है। यहाँ पर भी dy/dt इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है तो d/dt टी की पावर 4, ओके, यहाँ टी की पावर 2 है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा था फॉर्मूला d/dx x की पावर n का, क्या होता है n(x)n-1, तो ये है t की पावर 2, मीन्स x की पावर n की फॉर्म में। तो इस क्या होगा,
टू ए अपनी पोजीशन पे, टी की पावर एन को हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे टी की पावर एन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, पावर पहले पावर में से एक कम, तो पावर पहले लिख लेंगे, पावर में से एक कम करेंगे तो 2-1 1 आ जाएगा, तो 2-1 ठीक। तो ये कितना आ गया 480, डी एक्स अपॉन डी टी आ गया हमारा 480, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी हमारा यहाँ पर आ जाएगा पावर पहले पावर में से एक कम, 4-1 मीन्स 480 की पावर 3, तो डी वाई अपॉन डी टी हमारा आ गया 480 की पावर 3। हमने इन दोनों इक्वेशंस को जो टी पर डिपेंड कर रहे थे, जिसको हम लोग पैरामीटर बोल रहे हैं, अब इन दोनों से हमने डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें किसी भी इक्वेशन का जब डेरिवेटिव फाइंड करना होता है तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इन दोनों इक्वेशंस में बिना वाई को और बिना एक्स को एलिमिनेट किए टी के रिस्पेक्ट हमने क्या किया, इसे डिफरेंशिएशन किया। अब इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, मीन्स हम डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, मीन्स इस इक्वेशन के को जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया और इस इक्वेशन का जो डेरिवेटिव फाइंड किया, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, 480 की पावर 3 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है 480, 4a से 4a कैंसिल, t से t कैंसिल, t की पावर 2, और ये dt से dt कैंसिल, तो dy वाई अपॉन डी एक्स टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने इन दोनों पैरामीटर के फॉर्म में जो इक्वेशंस गिवन थी, जो फंक्शंस गिवन है, उनका हमने क्या फाइंड किया, dy वाई अपॉन डी एक्स फाइंड किया, जो पैरामीटर के फॉर्म में ही आ रहा है, ठीक है ना। t आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप x और y का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, बट आप t आंसर जो आएगा वो पैरामीटर के फॉर्म में ही आएगा, जो आप देख रहे हैं पैरामीटर के फॉर्म में। ऐसा नहीं होगा कि पैरामीटर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट होगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो आपका हमेशा मौजूद रहेगा, ठीक है ना। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना, उन दोनों इक्वेशन से जो डेरिवेटिव फाइंड हुए हैं उनको एक दूसरे से डिवाइड करना है, और डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। इस पूरे चैप्टर्स में 5.6 के एक्सरसाइज में आपको हर एक पोजिशन पर दोनों का अलग अलग पैरामीटर के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट थीटा, ओके ना। यहाँ पैरामीटर क्या है, थीटा है, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा। जब थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉस थीटा का ही होगा, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करते। अब ये कांस्टेंट इस कॉस थीटा के साथ मल्टीपल में है, तो इसको हम एक तरफ करके कॉस थीटा का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा होता है, आपको पता होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, और डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का माइनस का साइन है, इसकी मल्टीप्लाई माइनस ए साइन थीटा, ओके ना। तो हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड कर लिया माइनस ए साइन थीटा, ये हमारा डी है एक्स अपॉन डी थीटा। अब हमें वाई इज इक्वल टू देखना है, वाई इज इक्वल टू क्या है, बी कॉस थीटा, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट थीटा, ओके ना। यहाँ थीटा पैरामीटर है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, ओके। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा, बी माइनस साइन थीटा मीन्स माइनस बी साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किए हैं, डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे कैसे, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू, डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा, ओके। और डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना, माइनस ए साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो बी अपॉन ए, और डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर लिया हमने बी अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे, तो हम देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू साइन टी, ठीक है ना।
और y इज इक्वल्स टू है आपका cos 2t। ठीक, इसमें t के रिस्पेक्ट में आप करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट t, क्यों? क्योंकि यहाँ पैरामीटर क्या है, t है। ठीक है, देखें डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू साइन टी का कितना होगा, डी अपॉन डी टी साइन टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, साइन टी का आएगा कॉस टी, ये हमने फाइंड कर लिया डी एक्स अपॉन डी टी। फिर यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी कॉस टू टी, कॉस टू टी का कितना होगा साइन माइनस साइन टू टी, कॉस का डिफरेंशन साइन होता है माइनस का, ठीक है ना, माइनस साइन टू टी। अब ये टू टी लिखा हुआ है, टी थोड़ी है, टू टी है, तो टू टी का भी डिफरेंशन करेंगे तो टू इंटू वन होगा, तो कितना आ गया माइनस टू साइन टू टी, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू माइनस टू साइन टी। यहाँ पर क्या था, सिर्फ साइन टी था, तो साइन टी का कॉस टी, पर यहाँ पर कॉस टू टी है, ये टू टी को भी हम माइंड में लेट कर रहे हैं, टू टी को लेट कर देंगे पी, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कॉस पी का होगा साइन पी, फिर पी की वैल्यू जो हम लेट करते थे बताया था ना चैन रूल, इसमें चैन रूल लगाया माइंड में। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी कितना हमारा माइनस टू साइन टू टी, ओके, और ये कितना है हमारा कॉस टी। ठीक है, बस इतना ही आंसर होगा इसका, अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर साइन टी है या कॉस टू टी है, ठीक है ना, तो इतना ही है। यहाँ पर यदि साइन टू टी होता तो इसे और आगे सॉल्व कर सकते थे, पर यहाँ पर इतना ही है, शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया होगा, यहाँ पर शायद साइन टू टी था, देख लेता हूँ एक बार, नहीं ठीक है, यहाँ पर साइन टी ही है और यहाँ पर कॉस टू टी है, तो ये बिल्कुल सही है, यहीं तक आंसर होगा आपका। इसे हम और आगे करना चाहें तो इसे और भी कैसे कर सकते हैं, देखिए जरा, डी टी से डी टी कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू, साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन टी कॉस टी अपॉन कॉस टी, ओके, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल तो माइनस फोर साइन टी आ गया। ठीक है, साइन टू ए का फॉर्मूला नहीं पता आपको, टिक्नोमेट्री है ये, साइन टू ए, टू साइन ए कॉस ए, इलेवेंथ में पढ़ा आपने, ट्वेल्थ में पढ़ा है, टू साइन साइन टू ए, टू साइन ए कॉस ए, याद है ना, तो इस फॉर्मूले का यूज़ किया, साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होगा टू साइन टी कॉस टी। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक नोट डाउन कर लें, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे कहा गया है x इज इक्वल टू फोर टी और y इज इक्वल टू गिवन है आपके पास फोर अपॉन टी। ठीक है ना, अब इसका डिफरेंशिएशन पहले क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट t, तो कितना आएगा डी एक्स अपॉन डी टी फोर डी अपॉन डी टी टी के। ठीक है, इसका करेंगे तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट t, ओके, तो कितना आएगा डी वाई अपॉन डी टी, फोर तो कांस्टेंट है और इस वन अपॉन टी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, फोर कांस्टेंट है यहाँ भी और वहाँ भी, तो चलो देखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी अपॉन डी टी कितना हो गया वन, और यहाँ पर डी वाई अपॉन डी टी फोर, वन अपॉन टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है डी वाई अपॉन डी टी वन अपॉन टी, कैसे लिखेंगे इसे डी अपॉन डी टी टी की पावर माइनस वन। ठीक है ना, अब x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा हमने d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n का n x n माइनस वन, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर, माइनस वन पावर पहले पावर में से एक कम। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, तो माइनस फोर वन अपॉन टी की पावर टू, तो ये डी वाई अपॉन डी टी हमने माइनस फोर वन अपॉन टी स्क्वायर, और ये डी एक्स अपॉन डी टी, अब इन दोनों को डिवाइड कर दें डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन दिस वैल्यू फोर, फोर से फोर कैंसिल तो वन अपॉन टी स्क्वायर, यह आ गया आपका डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, यह हमारा आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के लिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ में क्या है आपका, देखें जरा, क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ में कहा गया x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा और y इज इक्वल टू क्या है a ब्रैकेट वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है,
इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट थीटा। ओके, पैरामीटर यहाँ पर थीटा है तो कितना आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, सभी के साथ डी अपॉन डी थीटा पहले अप्लाई कर दें, ठीक है, इधर भी अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट थीटा, ठीक है, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, फिर डी अपॉन डी थीटा वन के साथ, और फिर डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा के साथ। ओके, यहाँ तक तो काफ़ी इजी था, आप लोगों ने बहुत अच्छे समझ लिया होगा। अब देखते हैं जरा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, कॉस थीटा कितना होता है माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है ना, और कॉस टू थीटा का माइनस का साइन टू थीटा, और टू थीटा का डिफरेंशन टू इंटू वन, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो टू साइन टू थीटा, टू साइन टू थीटा, फिर ये माइनस का साइन थीटा, यहाँ पर ये आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा हमारा, ठीक। अब यहाँ पर डी वाई अपॉन डी थीटा कितना हमारा, ए अपनी पोजीशन पे, वन का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में ज़ीरो, कांस्टेंट का ज़ीरो होता है, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ओके, ए की मल्टीप्लाई माइनस है तो माइनस ए साइन थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा हमने फाइंड किया है माइनस ए साइन थीटा, ठीक है ना। अब इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें, किससे, डी वाई अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, माइनस का ए साइन थीटा अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है, टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। क्या इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्या इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल कर दोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, पर इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो यहीं छोड़ दो या इसे थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं, ए साइन थीटा अपनी पोजीशन पे, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब इसमें साइन थीटा कॉमन लेके ऊपर से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर बचेगा ए माइनस ए, और नीचे बचेगा माइनस का फोर कॉस थीटा माइनस वन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, डी वाई अपॉन डी टी एक्स, हमने इसमें से थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है, थीटा कॉमन से थीटा काट देंगे तो टू टू जा फोर, फोर कॉस थीटा माइनस वन, ठीक है। तो ये तो हो गया फोर, फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, इसके बाद के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली जितनी वीडियोज़ होती हैं वो आप सबसे पहले क्या कर सकें, देख सकें, नोटिफिकेशन में आपको पहले ही पता चल जाए, ठीक है ना। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अच्छा लगता है यदि आप लोग एक भी लाइक बटन पर क्लिक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को और अच्छे से आपको पढ़ाने के लिए, तो हम मेहनत करते जाएंगे, आप समझते जाइए। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, थैंक यू, बाय।